हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हमें मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर बेस्ड कुछ और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे आपको मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। ध्यान रहे, हम है ना मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस उसके न्यूमेरिकल ही करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल गिवन है 2t-4 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, और ये भी गिवन है एट t=0। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू -3 एंड पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट t=0 ये भी गिवन है, और वो कितनी है -5, ऐसा गिवन है। इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। t=0 पे वेलोसिटी भी गिवन है पार्टिकल की -3 और पोजीशन भी गिवन है पार्टिकल की -5 t=0 पे, और एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो इसमें पूछ क्या रखा है, पहले ये देखो। पहले तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, और फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, और फिर पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। फर्स्ट पार्ट में तो ये पूछ रखा है, सेकंड पार्ट में एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार इस इंटरवल में 2 से 5 सेकंड के इंटरवल में, ये पूछ रखी है, और एवरेज स्पीड ऑफ कार भी पूछ रखी है 0 से 4 सेकंड के इंटरवल में। पार्टिकल मान लो या कार मान लो, बात एक ही है। एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल 0 to 4 सेकंड के इंटरवल में पूछ रखा है। तो इसको अब कैसे अप्रोच करें, जब एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो और कुछ बाउंड्री कंडीशन गिवन हो और कुछ चीजें पूछ रखी हो, तो इसको कैसे अप्रोच करें। तो एक्सेलरेशन गिवन है 2t-4, और ये क्या होता है d/dt, तो dv कितना आ गया 2t-4 इंटू में dt। एट t=0 पे बताओ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी गिवन है -3। एट एनी इंस्टेंट t वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v, यूजिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो v +3 = इंटीग्रेट करो इसको, यहाँ पे t² आ जाएगा, यहाँ पे -4t, और 0 से t लिमिट्स, तो v+3 आ गया, t²-4t यही आ गया, तो वेलोसिटी आ गई t²-4t-3, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t। अब मुझे पता है वेलोसिटी जो कि ये आई है t²-4t-3, ये क्या होता है dx/dt, तो यहाँ से dx क्या आ जाएगा t²-4t-3 इंटू में dt। एट t=0 पे बताओ पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल क्या है -5 गिवन है, एट एनी इंस्टेंट t पोजिशन ऑफ पार्टिकल x है, तो x+5 यूजिंग इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा t³/3 -2t² आ जाएगा, t²/2 2 से 2 और -3t, तो x आ गया t³/3 -2t² -3t और -5। पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये आ गई, और वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये है, और एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये गिवन था, ये वाला गिवन था ना एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम।
तो अब करते हैं ग्राफ प्लॉट। ग्राफ कोई दे नहीं रखा था, यही चीज दे रखी थी, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी पार्टिकल की -3, पोजीशन -5, और ये चीजें पूछ रखी थी। तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है रिलेशन, लेकिन इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन और यहाँ पे टाइम, तो ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू mx प्लस c। तो जब एक्सेलरेशन टी एक्सिस पे क्या होगा? 0, तो एक्सेलरेशन को 0 पुट कर देंगे तो 2t-4 इज इक्वल टू 0, तो टाइम कितना आ गया? 2 सेकेंड। तो 0.2 टाइम 0, सॉरी टाइम 2, एक्सेलरेशन 0, एक तो यहां से पास होगा, और जब टी 0 होगा तो 2 × 0 0-4, और कहां से पास होगा ग्राफ? 0.-4 से, ऐसा है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये तो आ गया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अब पता लगाते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये देखो टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है? -3, तो कुछ ये पॉइंट होगा टी 0, वेलोसिटी -3, और वी टी ग्राफ में टेंजेंट की स्लोप एक्सेलरेशन ही होती है, ये हमें पता है। ये देखो 0 से 2 सेकंड वी टी ग्राफ में टेंजेंट की स्लोप क्या हो रही है? कम नेगेटिव हो रही है, कम नेगेटिव, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। और फाइनली स्लोप क्या हो जाती है? 0। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा, यस। और 2 सेकंड पे स्लोप क्या हो जाएगी? 0। ओके, 2 सेकंड के बाद में एक्सेलरेशन मोर एंड मोर पॉजिटिव हो रहा है, और एक्सेलरेशन इस वीटी ग्राफ में टेंजेंट की स्लोप ही होगा, तो यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप मोर एंड मोर पॉजिटिव होती जाएगी। और वेलोसिटी एक इंस्टेंट पे 0 होगी पार्टिकल की, वो हम पता लगा सकते हैं। t²-40-3 को 0 पुट करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा, मतलब t²-40-3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जब वेलोसिटी 0 होगी पार्टिकल की, किस इंस्टेंट पे होगी? t इज इक्वल टू -v4 प्लस -√b²16 -4a1c-3 / 2a2, तो ये आ गया 4 + -4 = 12, 16 और 12 √28 / 2। माइनस में ले नहीं सकता क्योंकि उससे टाइम नेगेटिव आ जाएगा, तो प्लस लेना पड़ेगा, तो 4 + √28 / 2, ये इंस्टेंट आ जाएगा जब हमारा पार्टिकल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। और वो इंस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू 4.65,0। अब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का पता लगाते हैं। टाइम सेकंड में है, पोजीशन मीटर में। टाइम सेकंड में है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टी इज इक्वल टू 0 पे देखो पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या? -5, तो ये हो गया -5, तो 0.-5 आ गया ये पॉइंट। अब देखो ये कौन सा इंस्टेंट था? 2.0।
टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, 2 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मोस्ट नेगेटिव होगी, और वो क्या होगी, 2 दूनी 4 माइनस 4 इंटू में 2 माइनस 3, तो 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 3 ये होगी -7। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2, -7, टाइम 2 और वेलोसिटी -7। और अब एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। टी इक्वल टू 0 पे एक्स की वैल्यू क्या है, -5, तो ये 0, -5 पॉइंट हो गया। अब टी इक्वल टू 0 से 2 सेकंड देखो, जो क्योंकि एक्स और टी में जो ग्राफ आएगा उसमें जो टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, वेलोसिटी की वैल्यू ही होगी। तो टी 0 से 2 सेकंड एक्स और टी में टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, मोर एंड मोर नेगेटिव 0 से 2 सेकेंड। तो टी इज इक्वल टू 0 पे टेंजेंट की स्लोप क्या है, -3, और मोर एंड मोर नेगेटिव होगी ये क्या है, 2 सेकेंड। तो यहां पे मोस्ट नेगेटिव होगी टेंजेंट की स्लोप एक्स और टी ग्राफ में। फिर 2 से बाद में देखो, टेंजेंट की स्लोप कम नेगेटिव होती जा रही है, और फाइनली 4.65 सेकंड पे स्लोप 0 हो जाती है। तो यहां पे स्लोप क्या हो जाएगी, 0। और फिर बाद में स्लोप मोर एंड मोर पॉजिटिव होनी है। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा एक्स वर्सेस टाइम में, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये टाइम क्या है 2 सेकंड, और ये टाइम क्या है 4.65 सेकंड। तो टाइम 2 सेकंड पे पोजीशन की वैल्यू क्या आएगी, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जो भी आएगी वो बाद में देखेंगे, और एट टी इज इक्वल टू 4.65 सेकंड पे पोजीशन की वैल्यू है -28.77। ठीक है, और एक इंस्टेंट पे पार्टिकल ओरिजिन से पास होगा। तो मुझे निकालना क्या क्या है ये देखो, एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट हो गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी प्लॉट हो गया, और एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ भी प्लॉट हो गया। एवरेज वेलोसिटी पता लगानी है 2 सेकंड से 5 सेकंड के इंटरवल में, 2 सेकंड से 5 सेकंड के इंटरवल में वी एवरेज। तो ये क्या हो जाएगी, x5 - x2 डिवाइडेड बाय 5 में तो दोगे 3। तो x5 की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे, -28.33। यहाँ पे 5 फुट करना है टी को, तो x5 की वैल्यू आ जाएगी, और वो आती है -28.33। -x2 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे टाइम को 2 फुट करना है, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पोजिशन ऑफ पार्टिकल आ जाएगी, और वो आती है -16.33। तो ये प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा -4 मीटर पर सेकेंड, विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और फिर क्या पता लगानी है, एवरेज स्पीड 0 से 4 सेकेंड, एवरेज स्पीड पता लगानी है पार्टिकल की। एवरेज स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 से 4 सेकंड के बीच में पार्टिकल ने जो ट्रेवल किया, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, 4 में से 0 गए 0।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकाल लें? पहले इस पार्टिकल के मोशन को एक बार थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। टी इज इक्वल टू जीरो पे, मान लो हमारा ओरिजिन यहां पे है, ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, उसके हाथ में स्टॉप वॉच है, ठीक है। टी इज इक्वल टू जीरो पे हमारा जो पार्टिकल है वो कहां पे है? एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव पे, तो कुछ यहां पे हो गया वो। टी इज इक्वल टू जीरो पे पोजिशन ऑफ पार्टिकल क्या है? माइनस फाइव, मतलब लेफ्ट में है 5 मीटर दूर। और टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कहां है? टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जहां पे भी होगा, टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे देखो कहां है। 4 सेकंड पे यहां पे टी को 4 पुट करना है, तो एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन पता लग जाएगी। और एक्स 4 कितना निकल के आएगा, यहां पे टी को 4 पुट करूंगा, -27.66 मीटर। मतलब टी इज इक्वल टू 4 पे के कहां पे पार्टिकल? यहां पे। कहां पे? 27.66 मीटर दूर। और टी इज इक्वल टू 4.65 पे पार्टिकल कितनी दूर है? -28.77। टी इज इक्वल टू 4.65 सेकेंड पे हमारा पार्टिकल कहां पे है? 28.77 मीटर दूर, ठीक है। और 0 सेकंड पे यहां पे है और 4 सेकंड पे यहां पे है। अभी देखो टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 4.65 तक वेलोसिटी पार्टिकल की क्या है? नेगेटिव। तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे है, वेलोसिटी क्या है? -3। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, स्पीड कितनी है इस इंस्टेंट पे t इज इक्वल टू 0 पे जब हमारा पार्टिकल यहां पे है? कितनी? 3 मीटर पर सेकंड। और 0 से 2 सेकंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मोर नेगेटिव होती जा रही है। 0 से 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? -7 मीटर पर सेकंड। और 2 सेकंड पे पार्टिकल कितनी दूर होगा? तो यहां पर टी को 2 पुट करते हैं, तो 8/3 -2 × 4 × 8 -6 -5। तो 8/3, 8 × 6 = 14, 5 = 19, -19, -57 + 8, तो ये आ गया -49/3, तो ये आ गया -16.33 मीटर दूर। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमारा पार्टिकल कितनी दूर है? 16.33 मीटर दूर, मतलब -16.33 मीटर है। एट t इज इक्वल टू 2 पे पोजिशन पार्टिकल की क्या है? -16.33 मीटर, मतलब यहां पे है, यहां पे 16.33 मीटर दूर। और t इज इक्वल टू 4 पे यहां पे है, t इज इक्वल टू 4.65 पे यहां पे है। तो हमें तो 0 से 4 सेकंड ही चाहिए। और यहां से चला पार्टिकल, पार्टिकल की रफ्तार कितनी है t इज इक्वल टू 0 पे? -3 मीटर पर सेकंड। और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे रफ्तार क्या है? मैक्सिमम। कुछ ऐसे चला पार्टिकल, यहां पे रफ्तार t इज इक्वल टू 0 पे जब इस पॉइंट पे है पार्टिकल, तो रफ्तार कितनी है? -3 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन तो ये दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है। और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे रफ्तार कितनी है? मैक्सिमम नेगेटिव, कितनी? 7 मीटर पर सेकंड, जब पार्टिकल यहां पे पहुंचा है। और फिर 2 से 4.65 सेकंड जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा, कुछ ऐसे रफ्तार क्या होगी? घटेगी, मतलब कम नेगेटिव होती जाएगी। यहां से यहां तक तो पार्टिकल की रफ्तार नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, लेकिन रफ्तार क्या हो रही है? बढ़ रही है,
और यहां से यहां मतलब 2 सेकंड से 4.65 सेकंड है, स्टिल वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन जो वेलोसिटी कम नेगेटिव हो रही है और जीरो की तरफ आ रही है, जब पार्टिकल यहां से यहां आ रहा है, ठीक है, तो रफ्तार क्या हो रही है, घट रही है, तो यहां पे पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा 4.65 सेकंड पे, कितनी दूर ओरिजिन से, 28.77 मीटर, और यहां पे रफ्तार क्या हो रही है, घट रही है, स्टिल डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, फिर पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी मोर एंड मोर पॉजिटिव होती जाएगी 4.65 सेकंड के बाद में, तो पार्टिकल कुछ ऐसा टर्न मारेगा, ये पार्टिकल का पाथ है, और 0 से 2 सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी मोस्ट नेगेटिव होने लग रही है, ज्यादा नेगेटिव, फिर 2 से 4.65 सेकंड वेलोसिटी कम नेगेटिव होने लग रही है, फिर 4.65 सेकंड्स के बाद में वेलोसिटी मोर एंड मोर पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ हो जाएगी, तो फिर ये इसी तरफ चलता रहेगा, एक टाइम पे इस ओरिजिन को ये क्रॉस करेगा ऐसे, यहाँ पे था टी इक्वल टू जीरो पे कुछ रफ्तार थी 3 मीटर पर सेकेंड, बढ़ी 7 मीटर पर सेकेंड, फिर घटती गई 0 मीटर पर सेकेंड, फिर रफ्तार इस तरफ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ऐसे चलेगा, तो 0 से 4 सेकंड देखो पार्टिकल कैसे चला है, 0 पे यहाँ पे था, 4 सेकंड पे यहाँ पे पहुंचा, तो इतनी दूरी तय की है पार्टिकल ने 0 से 4 सेकंड के बीच में, तो ये दूरी कितनी आएगी, 27.66 में से मैं क्या घटा दूंगा, 5, 27.66 में से 5 घटा दो, ये आ जाएगी दूरी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो एवरेज स्पीड इस जर्नी की ये आएगी 0 से 4 सेकंड की जर्नी की 5.665 मीटर पर सेकंड, और ये 0 से 4 सेकंड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 27.66 माइनस 5 मीटर, ये आता है 22.66 मीटर, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि तो 0 पे पार्टिकल यहाँ पे और ऐसे 4 सेकंड में इस तरफ जा रहा है, तो 27.66 में से 5 घटा दूंगा, तो कितनी दूरी तय की, 22.66 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो उस जर्नी की एवरेज स्पीड आ जाएगी, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 माइनस v, अगेन वन डायमेंशनल मोशन है पार्टिकल का, या मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस, और क्या गिवन है, एट टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 5 प्लस 5, और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल गिवन है टी इज इक्वल टू 0 पे प्लस 3, इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री कंडीशन, पता क्या क्या लगाना है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, और पोजीशन वर्सेज टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, और क्या पूछ रखा है इसने, एवरेज स्पीड ऑफ कार 0 से 4 सेकंड, पहले एवरेज वेलोसिटी पूछ रखी है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार या पार्टिकल, कार मान लो या पार्टिकल 0 से 4 सेकंड के इंटरवल में, और फिर एवरेज स्पीड पूछ ली, जीरो से 4 सेकंड के इंटरवल में,
और फिर क्या पूछ रखा है इसने, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ कार किस इंटरवल में पूछ रखा है, 0 से 4 सेकेंड। तो अब इसको अप्रोच कैसे करते हैं देखो, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी गिवन है, ए एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है, वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, और पार्टिकल का मोशन एक्स एक्सिस पे है, तो एक्सेलरेशन 2 माइनस वी गिवन है, तो इसको क्या लिखूंगा, डीवी बाई डीटी। तो डीवी डिवाइडेड बाय 2 माइनस वी इज इक्वल टू डीटी आ जाएगा। एट टी इज इक्वल टू 0 पे बताओ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी है, 5। एट एन इंस्टेंट टी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वी हो जाएगी। तो इसको डिफ्रेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट करते हैं, 1 अपॉन में 2 माइनस वी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग 2 माइनस वी, कुछ ऐसा आ जाएगा, और माइनस साइन यहां पे लग जाएगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 5 to v, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। लेकिन इस माइनस साइन को मैं हटाऊंगा तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इंटरचेंज हो जाएगी, तो ऊपर तो 5 आ जाएगा, नीचे v आ जाएगा, इज इक्वल टू टी। तो अब इसको सॉल्व करो, लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग 2 माइनस 5 माइनस लॉग 2 माइनस वी, तो लॉग -3 माइनस लॉग 2 माइनस वी ऐसा आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग -3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस वी, और इस तरफ t चल ही रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दूंगा इसमें अंदर, तो लॉग 3 डिवाइडेड बाय वी माइनस 2 इज इक्वल टू टी आ जाएगा। तो 3 डिवाइडेड बाय वी माइनस 2, इसको क्या लिखूंगा मैं, e की पावर टी, तो अब थ्री अपॉन में वी माइनस 2 e की पावर टी, तो इनको उल्ट पलट दूंगा मैं, वी माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस टी, तो यहां से v कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 इंटू में e की पावर माइनस टी। और मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाय डीटी, तो डीवी बाय डीटी करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, -3 e की पावर माइनस टी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है बस, 2 का 0 हो जाएगा, 3 ऐसा कैसा, e की पावर माइनस टी का माइनस e की पावर माइनस टी। और मुझे ये भी पता है वेलोसिटी dx बाय डीटी होती है, तो dx क्या हो जाएगा, v डीटी, v ये रहा 2 प्लस 3 e की पावर माइनस टी डीटी। एट टी इज इक्वल टू 0 पोजिशन क्या गिवन है पार्टिकल की, +3। एट एनी इंस्टेंट टी पोजिशन ऑफ पार्टिकल एक्स, तो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस, इसको इंटीग्रेट करो, 2 का 2 टी हो गया, -3 इंटू में की पावर माइनस टी, तो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू अपर लिमिट 2t -3 e की पावर माइनस टी माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, e की पावर माइनस 0 1 हो जाएगा, तो x आ जाएगा 2t -3 e की पावर माइनस टी, 3 और 3 6। ये आ जाएगा 2t +6 -3, हाँ यही है, ठीक है। पोजिशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये आ गई, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये आ गई, और एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये आ गई। अब इनके ग्राफ प्लॉट करने हैं, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, इतना
इज इक्वल टू जीरो पे देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, माइनस थ्री। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। t इज इक्वल टू जीरो पे e की पावर जीरो वन या e की पावर माइनस जीरो भी वन, तो क्या होगी वैल्यू, माइनस थ्री। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बढ़ेगा, मीट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे ये जो ग्राफ है ना एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ये टाइम को टच कर जाएगा बहुत दूर जाके, क्योंकि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो। अपलोड करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम। t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी है, e की पावर जीरो वन, तीन और दो पांच। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो और दो हो जाएगी। तो इसका ग्राफ आएगा कुछ ऐसे, ये जो लाइन है ना इसको, ये जो ग्राफ है इन्फिनिटी पे टच करेगा, मीट एट इन्फिनिटी। अब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पता लगाते हैं। t इज इक्वल टू जीरो पे पोजीशन क्या है पार्टिकल की, प्लस थ्री। तो यहां से स्टार्ट होगा और x वर्सेस टाइम ग्राफ में जो टेंजेंट की स्लोप होती है वही वेलोसिटी होती है। तो टेंजेंट की स्लोप क्या होती जाएगी, पॉजिटिव हमेशा रहेगी लेकिन कम पॉजिटिव होती जाएगी। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी x की वैल्यू देखो क्या आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ही ज्यादा। तो इसका ग्राफ ऐसा नहीं आएगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। मान लो अब हम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे पहुंच गए, टेंजेंट की स्लोप कम होने लग रही है, कम होने लग रही है। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, थ्री। जीरो नहीं है ये, टेंजेंट की स्लोप थ्री है t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, मान लो हम पहुंच गए। फिर इसके बाद में तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कॉन्स्टेंट रहेगी ना थ्री, तो इसके बाद में ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। अरे यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे t इक्वल टू इन्फिनिटी है मान लो, यहाँ तक तो टेंजेंट की स्लोप पे पाँच से कम होती होती, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे तीन होगी। फिर तीन t इक्वल टू इन्फिनिटी के बाद में टेंजेंट की स्लोप क्या रहेगी, तीन ही रहेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा बियॉन्ड t इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अब हम इसका थोड़ा सा पार्टिकल के मोशन के बारे में विजुअलाइज करते हैं। ये मान लो ओरिजिन है, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है जिसके हाथ में स्टॉप वॉच है, वो इस पार्टिकल के एक्स एक्सिस पे मोशन को देख रहा है, ये एक्स एक्सिस है। t इक्वल टू जीरो पे हमारा पार्टिकल कहाँ पे है, तीन पे। तीन मतलब पॉजिटिव, तीन मीटर, और जीरो से चार सेकंड का जिक्र होना है। चार सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन पता लगाते हैं, एक्स फोर वो कितनी आएगी, यहां पे फोर पुट कर देना है, दो चौके आठ माइनस थ्री इंटू में की पावर माइनस फोर प्लस सिक्स। तो ये कितना आएगा सोल्व करके, 13.945 मीटर प्लस 13.945 मीटर। तो t इक्वल टू फोर पे हमारा पार्टिकल कहां पे पहुंच गया, यहां पे 13.945 मीटर दूर है इस ऑब्जर्वर से, जो कि पोजीशन का पता लगाता है ऑब्जर्वर। तो अब देखो t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी है, पांच। t इज इक्वल टू जीरो पे है पांच मीटर पर सेकंड, और t इज इक्वल टू चार सेकंड पे अगर वेलोसिटी की अगर पूछो, तो t इज इक्वल टू जीरो पे, सॉरी t इज इक्वल टू फोर सेकंड पे वेलोसिटी और पता लगा लेते हैं।
v4 कितना आएगा, तो 2 + 3 इंटू में e की पावर -4, तो ये आएगा इसको यूजिंग कैलकुलेटर 2.054 मीटर पर सेकंड, +2.054 मीटर पर सेकंड। तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 2. या मतलब +0.54 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी 0 से टाइम जब तक इन्फिनिटी नहीं हो जाता, वेलोसिटी घट रही है। मान लो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारा पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, बहुत दूर, बहुत ही ज्यादा दूर है टी इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम, और ये डिस्टेंस भी क्या बहुत ज्यादा दूर है, ऐसे पास दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो पार्टिकल की वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से घटती घटती टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितनी हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड। और पार्टिकल फिर इसके बाद में टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम के बाद में इसी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। देखो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी के बाद में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी 3। तब अब मुझे पता क्या लगाना है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 से 4 सेकंड के इंटरवल में, एवरेज वेलोसिटी 0 से 4 सेकंड के इंटरवल में वी एवरेज, ये पता लगानी है। तो वो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट भाग में टाइम इंटरवल, 0 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पे, 4 सेकंड पे यहाँ पे पहुंच गया। तो टेल पॉइंट ये है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हेड पॉइंट ये है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आई और कितनी आई, दिस माइनस दिस, तो 13.945 में से 3 घटा दूंगा और प्लस का यूज करूंगा, डिस्प्लेसमेंट इतनी आई 0 से 4 सेकंड के बीच में, और ये आएगी 10.945 मीटर डिस्प्लेसमेंट। टाइम इंटरवल क्या है, 4 - 0 4 सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 0 से 4 सेकंड के इंटरवल में। सहूलियत के लिए चीज है ये, तो 10.945 / 4, तो ये आता है +2.7362 मीटर पर सेकंड। एक पार्ट का आंसर तो यहाँ पे हो गया। अब क्या पता लगानी है, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल 0 से 4 सेकंड के इंटरवल में, यहां पे पता लगाते हो 0 से 4 सेकंड के इंटरवल में एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल 0 से 4 सेकंड डिवाइडेड बाय दिस टाइम इंटरवल 4 सेकंड। तो 0 से 4 सेकंड पार्टिकल यहां से यहीं तो गया है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 13.945 - 3, इतनी ही आ जाएगी, 10.945 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड की डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 4 सेकंड टाइम इंटरवल। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 0 से 4 सेकंड की जर्नी की पार्टिकल की, क्या आएगी, इतनी ही आएगी, पर यहाँ पे प्लस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। कितनी आएगी, 2.7362 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बच गया, एवरेज एक्सलरेशन 0 से 4 सेकंड के इंटरवल में, वो यहां पे निकालते हैं। मान लो 0 to 4 सेकंड एवरेज एक्सलरेशन, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 4 सेकंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय दिस टाइम इंटरवल 4। तो टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी आई थी, इतनी 2.054, माइनस 0 पे कितनी है, 5 है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है, 4। तो 2.054 - 5, ये तो हो गया चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 4। तो ये एक्सेलरेशन आएगा -0.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -0.732 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये आएगा एवरेज एक्सेलरेशन। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, और तीनों ग्राफ भी प्लॉट कर लिए। बस यही तो पूछ रखा था। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, और वो कितना है 4x-3। और क्या गिवन है, एट टी इज इक्वल टू जीरो पोजिशन 3 है, पोजिशन ऑफ पार्टिकल प्लस 3 मीटर। ये क्या है, बाउंड्री कंडीशन। पता क्या लगाना है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और क्या पता लगाना है इसमें, एवरेज स्पीड ऑफ कार फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 सेकंड से 2 सेकंड। एवरेज स्पीड 0 to 2 सेकंड, ये पता लगानी है। और एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार 0 से 2 सेकंड है, 0 से 2 सेकंड। और क्या पता लगाना है, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ कार 0 से 2 सेकंड। एवरेज एक्सेलरेशन 0 से 2 सेकंड, यही पता लगाना है। अगेन किसका क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस पे मोशन कर रहा है, और जिसके ओरिजिन पे एक ऑब्जर्वर बैठा है हाथ में स्टॉप वॉच लिखे लिए हुए, और वो उसके मोशन को ऑब्जर्व करेगा। तो इसको कैसे अप्रोच करें इस न्यूमेरिकल को, v इक्वल टू 4x-3, ठीक है। और ये क्या होगा, dx by dt, वेलोसिटी dx by dt ही तो होती है, यहां से dx डिवाइडेड बाय 4x-3 इक्वल टू dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। एट t इज इक्वल टू 0 x कितना है 3 या प्लस 3, एट एन इंस्टेंट t पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज x। तो इस ये क्या हो जाएगा, log का हो जाएगा ना, तो log 4x-3, इसको इंटीग्रेट कर दिया और 1/4 आगे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है x के, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है 3 से x, और ये क्या हो जाएगा t, इसको इंटीग्रेशन करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, log 4x-3 और अपर लिमिट x है लोअर लिमिट 3 है इज इक्वल टू 4t। तो log अपर लिमिट को पुट करो 4x-3 माइनस लोअर लिमिट, 4 3 12 मत 3 गए 9 इज इक्वल टू 4t। तो ये हो जाएगा log 4x-3 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 4t। तो 4x-3 बाय में 9, इसको क्या लिखूंगा मैं, e की पावर 4t। तो यहां से x कितना आ जाएगा, इसको जब मैं सोल्व करूंगा, 3 + 9 e की पावर 4t डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगी पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। और मुझे ये पता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है, dx by dt, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1/4 3 का 0 हो जाएगा, तो फिर इसका क्या हो जाएगा 36 × e की पावर 4t। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आ जाएगी, 9 × e की पावर 4t एट एनी इंस्टेंट।
और मुझे ये बताया एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होता है, डीवी बाय डीटी। तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा 36 इंटू में ई की पावर 4t। अब मुझे इनके ग्राफ प्लॉट करने हैं, एक्सलरेशन की पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गया और पोजीशन पता चल गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, 36 इंटू में ई की पावर 40, टी इक्वल टू 0 पे एक्सलेशन कितना है, ई की पावर 0.1 36 है, तो ये कुछ ऐसा आएगा ग्राफ। और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ प्लॉट करूंगा तो इसका कुछ ऐसा ही आएगा, पर टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 9। ठीक है, और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करूंगा मैं, टी इक्वल टू 0 पे पोजीशन कितनी आएगी, 3, क्योंकि की पावर 0.1, 9 और 3 12, और 12 भाग में 4 3, मतलब 3 मीटर प्लस 3 मीटर। तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसे ही प्लॉट होगा। पता क्या लगाना है, 0 से 2 सेकंड के इंटरवल में एवरेज स्पीड। तो पहले कुछ विजुअलाइज कर लेते हैं इस पार्टिकल के मोशन को, विजुअलाइज करते हैं। यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ, उसके हाथ में स्टॉप वॉच है। टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, 3 मीटर दूर, टी इज इक्वल टू 0 पे, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, टी इज इक्वल टू 0 पे +9। वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पार्टिकल आगे ही मूव करता रहेगा हमेशा, और इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती रहेगी, इसकी रफ्तार लगातार बढ़ती रहेगी 9 मीटर पर सेकंड से, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे देखो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, पार्टिकल की वेलोसिटी 9 इंटू में ई की पावर 4 × 8 हो जाएगा, इतने मीटर पर सेकेंड आएगी। तो ये कितनी आएगी, 268.2, बहुत ही ज्यादा रफ्तार है ये, बहुत ही ज्यादा। और एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पार्टिकल की पोजीशन का पता लगाओ, वो क्या होगी, 1/4 3 + 9 ई की पावर 4 × 8, तो एक्स टू कितना आ जाएगा, इतना मीटर। तो ये कितना आएगा, 67.07.9 मीटर, मतलब तकरीबन 7 किलोमीटर के आसपास, 6.5 किलोमीटर से ऊपर और 7 किलोमीटर से नीचे। मतलब एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी खतरनाक, और आगे बढ़ती ही जानी है, और पार्टिकल हमेशा इस तरफ मूव करेगा, यहां से शुरू करेगा और यहां पे भी रफ्तार है इस डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकंड, और आगे रफ्तार बढ़ती ही जाएगी। तो ये रफ्तार कितनी है, 268.2 सेकंड पे 28.62 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी है, 600 मतलब 67.07.9 मीटर। पूछ क्या रखा है, मैं यहां पे सोल्व करने जा रहा हूं, एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 टू 2 सेकंड, क्या पता लगानी है, एवरेज स्पीड, और वो क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 से 2 सेकंड के इंटरवल में, 0 से 2 सेकंड के इंटरवल में पार्टिकल ने इतनी तो डिस्टेंस ट्रेवल की, दिस माइनस दिस, तो 67.07.9 - 3, ये कितना आएगा, 67.04.9 मीटर, 6704.9 मीटर दूरी तय की है 0 से 2 सेकंड के बीच में, टाइम इंटरवल कितना है, 2। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, खतरनाक आएगी,
जीरो से 2 सेकंड की जर्नी की, यह आएगी 33 52.452 मीटर पर सेकंड, 33 52.452 मीटर पर सेकंड, एक आंसर तो ये हो गया। और क्या पता लगाना है, एवरेज वेलोसिटी 0 से 2 सेकंड में, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, 0 से 2 सेकंड वी एवरेज, तो वी ये क्या हो जाएगा, वी टू माइनस वी जीरो डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 2 सेकंड, तो वी एवरेज आ जाएगा। वी टू कितना है, वी टू ये है 26,828.62, सॉरी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट भाग में टाइम इंटरवल, 0 से 2 सेकंड के इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल क्या आई है, टेल पॉइंट ये है, हेड पॉइंट ये है, क्योंकि पार्टिकल यहां से आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, प्लस आई, और दिस माइनस दिस आई, तो कितनी आई, प्लस 6,704.9 मीटर डिस्प्लेसमेंट, और टाइम इंटरवल 2 सेकंड, तो ये आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी 0 से 2 सेकंड की जर्नी की, प्लस 33 52.452 मीटर पर सेकंड। अब निकालते हैं एवरेज एक्सेलरेशन 0 से 2 सेकंड इंटरवल का, एवरेज एक्सेलरेशन ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी भाग में टाइम इंटरवल, 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी है माइनस 0 सेकंड पे जो वेलोसिटी है भाग में टाइम इंटरवल क्या है, 2 माइनस 0 2, तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। वी टू कितना है, 26,828.62, और वी नॉट कितना है, टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन ये भी खतरनाक आएगा, और कितना आएगा, 134.09.8, प्लस साइन लिखना जरूरी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है एवरेज एक्सेलरेशन, प्लस 134.09.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये आंसर एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, और ये ग्राफ पूछ रखे थे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम में, पोजीशन वर्सेस टाइम में।